खाने पीने की चीजों के साथ साथ सोने में भी कई प्रकार की मिलावटी चीजें इस्तेमाल होती हैं, जो सोने की तरह ही चमकती है। इस वजह से हम यह समझ नहीं पाते कि सोना असली है या नकली। अगर आप गोल्ड खरीदते हैं तो आपको उसकी शुद्धता को जांच करना या कराना जरूरी है। इसके लिए आप घर में भी इसकी जांच कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको नकली और असली गोल्ड की पहचान कराने वाली विधियों के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि और भी रोचक जानकारियां आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। चुंबक से टेस्ट करना। सोना चुंबकीय धातु नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि आप जब चुंबक को सोने के पास ले जाओगे तो वो चुंबक में नहीं चिपकेगा। अगर आपके पास जो सोना है उसको लेकर अगर आपको संदेश है तो आप चुंबक की मदद से असली नकली की पहचान कर सकते हैं। आपको चुंबक को अपने सोने की ज्वेलरी के पास ले जाना है। अगर ज्वेलरी हल्की सी भी चुंबक की तरफ आकर्षित होती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी ज्वेलरी में मिलावट की गई है। एसिड टेस्ट करना। ये सोने की शुद्धता का पता लगाने की दूसरी विधि है। इस विधि के माध्यम से आप सोने की शुद्धता का पता आसानी से लगा सकते हैं। हालांकि इस विधि का प्रयोग करते समय आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। आपको सबसे पहले सोने में हल्की सी खरोंच लगानी है। उसके बाद उस खरोंच वाली जगह पर नाइट्रिक एसिड की 2 बूंद डालनी है। अगर खरोंच वाली जगह तुरंत हरी हो जाती है तो इसका तात्पर्य यह है कि सोने में मिलावट की गई है, और वहीं अगर खरोंच वाली जगह में एसिड की बूंद का कोई असर नहीं पड़ता है तो सोना असली है। आप वो सोना खरीद सकते हैं। पानी से सोने की शुद्धता का पता करना। ये बहुत ही आसान विधि है जिसकी मदद से आप आसानी से सोने की शुद्धता का पता लगा सकती हैं। इसके लिए आपको एक गहरा बर्तन लेना है और उसमें 2 से 3 गिलास पानी डालना है। अब सोने की ज्वेलरी को उस पानी में डालना है। अगर थोड़ी देर बाद आपकी ज्वेलरी पानी में तैरती हुई दिखाई देती है तो इसका मतलब यह है कि सोने में मिलावट की गई है, क्योंकि असली सोना कभी पानी में नहीं तैरता बल्कि वह सतह पर ही रहता है। सिरामिक थाली की मदद से पहचान करना। आप सिरामिक थाली की मदद से भी सोने की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाजार से एक सिरामिक थाली लानी है और उस पर अपनी सोने की ज्वेलरी को घिस कर देखना है। अगर उस थाली पर हल्का काला निशान पड़ता है तो सोना मिलावटी यानी नकली है, और अगर थाली पर हल्का सुनहरा रंग का निशान पड़े तो सोना असली है। दांतों से काट कर देखना। यह सोने की शुद्धता की जांच करने का सबसे आसान तरीका है। इसके लिए आपको अपनी ज्वेलरी को कुछ देर तक अपने दांतों से दबाकर रखना है। अगर आपकी ज्वेलरी में हल्का सा निशान बनाया तो इसका मतलब यह है कि सोना असली है, क्योंकि सोना एक मुलायम धातु होता है जिसमें आसानी से निशान बन जाते हैं। क्योंकि सोना मुलायम धातु होती है, इसके लिए इसे मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ मात्रा में दूसरी धातु मिलाई जाती है। हॉलमार्क अवश्य देखें। केंद्र सरकार की संस्था सर्टिफिकेशन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने गोल्ड की शुद्धता बनाए रखने के लिए कुछ मानक तैयार किए हैं, जिनसे सोने की शुद्धता का पता चलता है। जब भी आप ज्वेलरी खरीदने जाएं तो सोने में हॉलमार्क जरूर देखें। ज्वेलरी के रंग पर ध्यान दें। आपको सोने की शुद्धता को प्रदर्शित करने वाले मानकों के बारे में पता ही होगा, जैसे 22 कैरेट, 18 कैरेट आदि। आप इनके रंग की मदद से भी सोने की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। जैसे 22 कैरेट गोल्ड का कलर ब्राइट येलो होता है, 18 कैरेट गोल्ड का कलर स्ट्रॉन्ग येलो होता है, और 18 कैरेट से कम के गोल्ड का कलर लाइट येलो होता है। ऐसे में आप गोल्ड के कलर से भी सोने की शुद्धता को पहचान सकते हैं। गंध से पहचान करना। असली सोने की एक खासियत है कि इसमें गंध नहीं आती है। अगर आपकी ज्वेलरी पसीने के संपर्क में आने पर सिक्के की तरह गंध दे तो समझ जाना चाहिए कि सोने में मिलावट की गई है। इसके अलावा अशुद्ध सोने पर हल्के काले या फिर हरे धब्बे भी दिखाई देते हैं, जो कि उसकी अशुद्धता को प्रदर्शित करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो में सोने की शुद्धता से जुड़ी सभी जानकारियां आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।